नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हार मीनिंग इन इंग्लिश, यानी हार को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर बेल का आइकन सेलेक्ट कर दीजिए। आइए सीख लेते हैं हार या फिर पराजय को इंग्लिश में कहा जाता है डिफीट। हार या पराजय, इसका इंग्लिश में बोलते हैं डिफीट। आइए देखते हैं सेंटेंस में यूज़। At last, they accepted their defeat. मतलब अंत में उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। Defeat मतलब हुआ हार और पराजय। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।